गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे बोल्ट ओक ईयरफोन्स का, जो कि हमको आज ही डिलीवरी हुआ है फ्लिपकार्ट की तरफ से। तो कुछ ऐसा दिखता है बॉक्स उसका, और चलिए इसको खोलते हैं और इसको दिखाते हैं आपको इसके अंदर हमको क्या क्या दिया हुआ है फीचर्स, और इसका रिव्यू बताते हैं। तो चलिए इसको खोलते हैं अब। तो बॉक्स को बहुत ही अच्छे से पैकेजिंग किया हुआ है हमारे लिए। तो ये रहा बॉक्स, और अंदर कुछ बिल वगैरह दिया हुआ है, और ये सब इसको साइड करते हैं अब और मेन बॉक्स की तरफ आते हैं। तो इसके अंदर भी गाइज और एक दिया हुआ है, मतलब अच्छे से लगा के दिया हुआ है। तो कहाँ गया चाकू, कहाँ गया? हाँ, अब इसको खोलते हैं। तो ये रहा गाइज बॉक्स बोल्ट ओक ईयरफोन्स का। तो बस ये सबको साइड कर देते हैं पहले, और मेन बॉक्स की तरफ फोकस करते हैं। हाँ, तो ये रहा बॉक्स बोल्ट ओक ईयरफोन का, और यहाँ पे पीछे कुछ उसके स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एल शेप आपको मिलेगा, मतलब ऑडियो जैक जो है, और 1 साल का वारंटी मिलेगा इसमें, और एक्स्ट्रा बेस देखने के लिए मिलेगा, और HD वोकल्स और ट्रिबल्स के साउंड आपको मिलेंगे, और इनबिल्ट माइक मिलेगा इसमें, और इनबिल्ट सब वूफर मिलेगा इसमें। तो बस यही है बॉक्स, और साइड में लिखा हुआ है डोंट एक्सेप्ट इफ़ सील इज़ ब्रोकन। तो यहाँ पे तो हमारा सील वगैरह कुछ ब्रोकन नहीं हुआ है। तो खोलते हैं अभी इसको। तो ये रहा बॉक्स, इसके अंदर ऐसा पैकेजिंग दिया हुआ है ब्लैक कलर के स्ट्रिप के अंदर, और ये रहा ईयरफोन हमारा, और अंदर एक वारंटी कार्ड दिया हुआ है, और बस खाली बॉक्स। तो हमारा मेन ईयरफोन ये रहा। चलो इसको खोलते हैं, बाहर निकालते हैं। अटक गया यार, निकल जाए, निकल। हाँ अरे यार, ये अटक जा रहा है यार भाई बार बार। हाँ निकल। तो ये रहा ईयरफोन हमारा, और ये कुछ ईयरबड्स दिए हुए हैं इसके अंदर, और अंदर एक क्लिप जैसा भी कुछ है। तो इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ पूरा। निकल जा बाहर, आ जा आ जा आ जा। हाँ आ गया। तो ये रहा कुछ छोटे मोटे 4 ईयरबड्स दिए हुए और एक क्लिप दिया हुआ है। तो ये सबको साइड करते हैं और मेन ईयरफोन की तरफ आते हैं। तो ईयरफोन में आपको मतलब वुड क्वालिटी का, मतलब वुड से बना हुआ है ईयरफोन, इसलिए इसका नाम ओक दिया हुआ है। ओक के वुड से गाइज ये बना हुआ है, और ये साइड में, मतलब इसके पीछे मेटल दिया हुआ है और साइड में ओक का वुड का इस्तेमाल किया गया हुआ है। और ईयरफोन देखने में अच्छा है, और ये रहा एल शेप का उसका ऑडियो जैक जैसे लिखा हुआ था। फोकस कर लेते हैं, देख लीजिए। हाँ तो ये रहा एल शेप का ऑडियो जैक उसका, और ये रहा उसका ईयरफोन। तो अभी इसको गाइज मैं आपको क्लोज लुक दिखा देता हूँ इसका ईयरफोन की कैसा दिखता है। तो एक मिनट दिखाता हूँ क्लोज। तो अभी हम इस ईयरफोन का साउंड क्वालिटी टेस्ट करेंगे अपने मोबाइल के अंदर, और आपको दिखाएंगे कि ये मतलब एक्चुअली वर्थ है कि नहीं 500 रुपये के अंदर, ये कैसा साउंड है इसका, तो आपको अभी पता चल जाएगा। तो ये मैंने अभी कनेक्ट कर दिया अपने मोबाइल के अंदर इस ईयरफोन को, और इसमें गाइज मैं एलन वॉकर का एक स्पेक्ट्रा सॉन्ग बजाता हूँ, और देखता हूँ ये एक्चुअली इसका साउंड क्वालिटी अच्छा है कि नहीं। तो आप ईयरफोन का इस्तेमाल कीजिए गुड क्वालिटी साउंड के लिए। तो चलिए अब बजाते हैं इस साउंड को। तो आपको इस ईयरफोन का साउंड क्वालिटी कैसा लगा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको इस ईयरफोन को परचेस करना है तो फिर मैंने लिंक दे दिया जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशनड है, आप जाके वहाँ से आराम से खरीद सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट जाके फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से इसको खरीद सकते हो। सो इन माई ओपिनियन ईयरफोन आपको मतलब एकदम एवरेज साउंड देते हैं, इसमें बेस ट्रिबल वोकल्स वगैरह सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर है, और ज़्यादा पंची नहीं, ज़्यादा कम नहीं,
मतलब सब एकदम ठीक ठाक साउंड है इसमें। और अगर आप इससे भी ज़्यादा मतलब बेस लवर और आपको मतलब म्यूज़िक का बहुत ही ज़्यादा ज्ञान है तो फिर आप बोट ईयरफोन को चूज़ करते हैं, क्योंकि बोट ईयरफोन इस प्राइस के अंदर एकदम फाड़ू ईयरफोन है, उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता इस प्राइस के अंदर। और बस इतना ही था इस ईयरफोन का रिव्यू आज के वीडियो में। अगर आपने मेरा पीले वाले वीडियो भी नहीं देखे तो फिर जाके आप उस वीडियो को भी देख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर भी कर देना। तो और आप गाइस अगर वीडियो में आए हो नया नया देखने के लिए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अपने वीडियो को, और अपने भाई का भी वीडियो है गाइस सब्सक्राइब करना लाइक करना वीडियो को। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ बाय।